नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है आपको। आप तक अगर आप खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, तो ये जानकारी मिल चुकी होगी कि 19 नवंबर को यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबला खेला जाएगा। ये 4 साल बाद है जब झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के इस स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। आखिरी मुकाबला 2017 में हुआ था। इस वक्त हम JSCA के स्टेडियम में हैं और हम आपको इस स्टेडियम की कुछ खासियत के बारे में बताते हैं। भारत के जो कुछ खूबसूरत स्टेडियम हैं गिने चुने, उनमें से JSCA का नाम आता है। एक स्टेडियम और धर्मशाला में है हिमाचल के, उसे भी खूबसूरत स्टेडियम माना जाता है और दोनों हिल स्टेशन भी हैं। इस स्टेडियम की खासियत की बात करें तो 50,000 दर्शकों की क्षमता है, यानी कि 50,000 दर्शक एक साथ बैठकर यहां मुकाबला देख सकते हैं। इस स्टेडियम में 2 पवेलियन हैं। एक पवेलियन वो रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व कप्तान के नाम पर MS धोनी, एक पवेलियन है। और एक पवेलियन जो है वो JSCA के पूर्व जो अध्यक्ष हैं, वो BCCI में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और ICC में भी, उनके नाम से अमिताभ चौधरी एक पवेलियन है। ये 2 पवेलियन हैं और जो स्टेडियम है ये भारत के कुछ वैसे स्टेडियम्स में है जिसमें पूरी तरह से हरी और नर्म घास पीछी रहती है। और जब फील्डिंग जो कर रहे होते हैं खिलाड़ी, उन्हें स्लाइड करने में, जो स्लाइड फील्डिंग आप देखते हैं, उसमें खास कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और खिलाड़ी कम चोटिल होते हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों को कम इंजरी होती है और ये इस वजह से भी ये खिलाड़ियों की पसंद का स्टेडियम रहा है। जहाँ तक बात है यहाँ पर क्रिकेट पिच की, तो दुनिया में 2 ही स्टेडियम है, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक भारत में, जहाँ पर ये रांची का एक स्टेडियम है JSCA, जहाँ पर पिच जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। सामने आप देखेंगे जिसे अभी कवर किया गया है मैदान को, और चूंकि बारिश हो रही है तो 11 क्रिकेट पिच हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाए गए हैं। तो 11 पिच के होने का फ़ायदा ये होता है कि खिलाड़ियों को अभ्यास में किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और एक साथ बड़ी से ज़्यादा संख्या में खिलाड़ी जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। जब भी महेंद्र सिंह धोनी रांची में होते हैं वो ज़रूर यहाँ पर JSCA में आते हैं और वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि जो सामने आप देखेंगे ये रेस्टोरेंट है, जो दर्शक आते हैं यहाँ पर मैच देखने या जो खिलाड़ियों के सपोर्ट स्टाफ या कमेंटेटर्स हैं उनके लिए बढ़िया यहाँ पर खाने पीने की सुविधा होती है, अच्छी कॉफ़ी यहाँ पर मिलती है, रेस्टोरेंट है। और उसके ठीक पीछे एक इंडोर विंग है जहाँ पर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स जैसे कई गेम्स की सुविधा है। और जब हमने यहाँ के पदाधिकारियों से बात की और जो स्टाफ हैं, ग्राउंड स्टाफ, उनसे बातचीत की, तो कहा कि जब भी महेंद्र सिंह धोनी यहाँ आते हैं तो वो ज़रूर वहाँ इंडोर स्टेडियम में जाकर बैडमिंटन का लुत्फ उठाते हैं क्योंकि उन्हें बैडमिंटन खेलना भी काफ़ी पसंद है। इसके अलावा यहाँ पर जिम भी है जहाँ पर खिलाड़ी बड़ी जब भी आते हैं तो जिम की सुविधा भी है, वो वहाँ पर वर्कआउट करते हैं और फिर यहाँ पर वार्म अप के लिए नीचे आते हैं। तो ये स्टेडियम की खासियत है। अभी जब मुकाबला होगा तो 50,000 की क्षमता जरूर है, लेकिन चूंकि कोविड का दौर है तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि बायो बबल में खेला जाए। खिलाड़ियों को अनुमति मिलेगी वो उस सिचुएशन पर निर्भर करेगा। टिकटों की बिक्री को लेकर भी जानकारी आगे सामने आएगी, तो कितने दर्शक होंगे ये आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा। फिलहाल आपके लिए, जो तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए खुशखबरी है, तो आप इस मुकाबले का जरूर इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है विदा लेने का। अपने सहयोगी आकाश आनंद के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in